तो दोस्तों आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट लिखकर आ गया है जब आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, तो आप इस वीडियोज को जरूर देख लीजिए। और हाँ, अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आप इस वीडियोज को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ और इस लाइव प्रूफ में आपको ये पता चल जाएगा कि रीयूज्ड कंटेंट क्यों आता है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि रीयूज्ड कंटेंट आएगा, बहुत ही मुश्किल है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो और बाद में मेरे पास वो मैसेज आता है कि भैया मेरे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट अब आ गया है, अब मैं क्या करूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अब बात करते हैं दोस्तों रीयूज्ड कंटेंट के बारे में। सबसे पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, जब आप देखोगे तब आपको यकीन होगा, उसके बाद ही पूरी डिटेल बताता हूं। तो यहां पर आप देखिए जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही है, यहां पर इन्होंने सबसे पहले मेरे को मैसेज किया, फिर कहते हैं रीयूज्ड कंटेंट है, क्या मोनेटाइज होगा। मैंने इन्हें बताया रीयूज्ड कंटेंट है, मोनेटाइज नहीं होगा, मुश्किल है मोनेटाइज होना। तो इन्होंने कहा चलिए ठीक है, एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। इन्होंने अप्लाई कर दिया और इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, लिखकर आ गया रीयूज कंटेंट है। अब बताता हूं आपको कि इन्होंने गलती क्या की थी और वो गलती आपको नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने जो गलती करी वो गलती ये थी दोस्तों कि इन्होंने अपने पहले वाले YouTube चैनल की वीडियोज को कॉपी किया और वही वीडियोज को उठा के डाल दिया दूसरे चैनल पर। वो वीडियो चल रही थी पहले वाले YouTube चैनल पर, तो इन्होंने सोचा दूसरे पे डाल देता हूं, यहां से भी चल जाएगी, वॉच टाइम गेन हो जाएगा, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। दोस्तों इन्होंने वीडियोस डाल दी और सब कुछ इनका हो भी गया, 4000 घंटे भी हो गए, 1000 सब्सक्राइबर, और वो भी 7 दिनों के अंदर इन्होंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ क्योंकि इनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट था। और अब इन्हें वो वीडियोस डिलीट करनी पड़ेगी, और रीयूज्ड कंटेंट की जितनी भी वीडियोज आप डिलीट करोगे उसका वॉच टाइम कभी भी काउंट नहीं होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरी बात आपको क्या करनी है, आप जब भी किसी का, ध्यान से सुनिएगा, आप जब भी किसी का कुछ भी कंटेंट यूज करते हैं या क्लिप यूज करते हैं, तो आप उस क्लिप को इतना इंटरेस्टिंग बनाइए एडिट करके, इतना इंटरेस्टिंग कि उसमें लगे ही ना कि आपने इसके क्लिप को यूज किया है। आपका मेन थीम जो होना चाहिए आपके वीडियोज में, वो आपका अपनापन आ जाना चाहिए, मतलब कि आपकी वीडियो 60% हो और 20% किसी का क्लिप आपने यूज किया है, तो उस 20% के क्लिप को आपको इस तरीके से एडिट करके अच्छे से रिप्रेजेंट करके लगाना है अपने वीडियोज में, जिससे कि कोई भी व्यूअर आपको ये ना कह सके कि आपने किसी और का क्लिप यूज किया है। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि रीयूज्ड कंटेंट अगर यूज करेंगे हम तो कैसे करेंगे। और अब आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपके चैनल पर अगर रीयूज्ड कंटेंट आता है तो मैं रीयूज्ड कंटेंट को बताने के लिए और आपके चैनल को चेक करने के लिए यहां पर बैठा हुआ हूं। कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, रीयूज्ड कंटेंट आता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम यूट्यूब से रिलेटेड होती है, वो मैं आपको यहां पर बैठ के बता सकता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम का आईडी यहां पर है। और ध्यान रहे कि रीयूज्ड कंटेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो हमेशा बचे रीयूज्ड यूज करने से, लेकिन अगर हो जाता है रीयूज्ड आ जाता है लिखा हुआ तो आप डरना मत। दोस्तों दूसरी बात बताता हूं आपको कि कॉपीराइट क्लेम अगर आ जाता है और आपने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो कॉपीराइट क्लेम भी रीयूज्ड कंटेंट में कभी कभार आ जाते हैं, और फिर आपको कॉपीराइट क्लेम हटाना होता है। कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं, मेरी सबसे ऊपर सर्च पे वीडियो आती है, यूट्यूब पर सर्च करोगे कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाएं तो सबसे ऊपर मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी। अब कॉपीराइट क्लेम जब हटा लेना, उसके बाद अप्लाई करना मोनेटाइजेशन, नहीं तो रीयूज्ड कंटेंट लिखकर आ जाएगा। एक भाई साहब ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कहते हैं मेरे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आया था, मैंने इनसे कहा कि क्लेम है आपके वीडियोज में, कहते हैं हाँ क्लेम है मेरी वीडियोज में, मैंने इनसे कहा अपने वीडियोज के क्लेम को हटाओ, इन्होंने क्लेम तो हटा दिया, बोल रहे हैं भैया आपने जैसे बताया था मैंने वैसे म्यूट कर दिया है, तो क्या मेरा चैनल अब मोनेटाइज हो जाएगा। म्यूट करने से आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, लेकिन अभी ये बाद में एक क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए तब मैं इसके म्यूट को अनम्यूट कर दूंगा तो क्या पैसे मुझे मिलेंगे। तब पैसे आपको नहीं मिलेंगे, जो क्लेम आता है उस क्लेम वाले बंदे को जाकर पैसे मिल सकते हैं, और जितनी भी वीडियोज पर आपके क्लेम आता है उस वीडियोज पर येलो डॉलर का आपको साइन दिखता है, जिससे कि लिमिट ऐड दिखाए जाते हैं और कम ऐड दिखाए जाते हैं, उससे पैसे बहुत कम जनरेट होते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा रीयूज्ड कंटेंट अब नहीं यूज करना है। लास्ट में एक बात और बता देता हूं कि रीयूज्ड कंटेंट यूज अगर करोगे तो इंटरेस्टिंग बनाकर यूज करो, और ध्यान रहे कि रीयूज्ड कंटेंट जब तक आपके चैनल पर रहेगा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा।
चैनल मोनेटाइजेशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है मुझे कमेंट करके नीचे बताओ, और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।